हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के .NET इंटरव्यू के अंदर बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिंक क्यू। लिंक क्यू होता क्या है, लिंक क्यू का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझेंगे इस वीडियो के जरिए। लिंक क्यू क्या होता है? लिंक क्यू स्टैंड फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। लिंक क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। इट इज फीचर इंट्रोड्यूस इन .NET 3.5। यह फीचर कब से आया? बेसिकली .NET में .NET फ्रेमवर्क 3.5 से आया। That enable to developer to query and manipulate data using consistent syntax directly in C# Visual Basic Code. Link to provide a unified approach. Link to क्या करता है? Unified approach को provide करता है to querying various data sources. अलग अलग data sources से query करने को, including collection, array, database, XML और बहुत सारा। अगर बात करें लिंक क्यू के की कंपोनेंट की, तो इसमें भी कुछ की कंपोनेंट होता है। जैसे जगह पहला की कंपोनेंट की बात करें तो क्वेरी एक्सप्रेशन। अब क्वेरी एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा इसके अंदर? क्वेरी एक्सप्रेशन क्या होता है? लिंक क्यू अलाउ डेवलपर टू राइट अ क्वेरी एक्सप्रेशन। लिंक क्यू अलाउ क्या करता है? डेवलपर को राइट क्वेरी एक्सप्रेशन इन डिक्लेरेटिव सिंटेक्स। इसमें डिक्लेरेटिव सिंटेक्स में सिमिलर टू द एसक्यूएल। बेसिकली सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन काम हमारा जैसे कि हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, इसमें हम लिंक क्यू में वही चीज को हम सिंटेक्स के फूल। क्वेरी एक्सप्रेशन इनेबल फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग एंड प्रोजेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। क्या करता है क्वेरी? क्वेरी के बेसिकली क्या होता है इसमें? क्वेरी के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं? हम क्वेरी के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं? क्वेरी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर की बात करें तो लिंक क्यू प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर। बेसिकली क्या करता है? लिंक क्यू प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटिंग मेथड दैट कैन यूज टू परफॉर्म कॉमन डेटा मैनिपुलेशन टास्क। बेसिकली क्या करता है जो हम इसको यूज करके कॉमन डेटा मैनिपुलेशन टास्क सच एज फिल्टरिंग, वेयर कंडीशन को यूज करके अगर फिल्टरिंग करेंगे, ऑर्डर बाय करके सॉर्टिंग करेंगे, ग्रुप बाय के लिए ग्रुपिंग होता है, एग्रीगेशन के लिए सम काउंट होता है, ज्वाइन के लिए हम यहाँ पर ज्वाइन लिखते हैं, और भी बहुत सारा होता है जो स्टैंडर्ड क्वेरी को अगर यूज करता है। इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। बेसिकली लिंक क्यू इंटीग्रेट सीमलेसली विद सी शार्प। क्या करता है? सीमलेसली सी शार्प के साथ हमारा चलता है, विजुअल बेसिक के साथ चलता है, विच अलाउ टू डेवलप राइट क्वेरी डायरेक्टली इन देयर कोड। बेसिकली हम कोड में डायरेक्टली क्वेरी को लिख सकते हैं यूजिंग फैमिलियर सिंटैक्स यानी लैंग्वेज फीचर। टाइप सेफ की बात करें तो लिंक क्यू ऑफर स्ट्रॉन्ग टाइप सेफ्टी। जैसे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टाइप सेफ्टी होता है, इंश्योरिंग दैट क्वेरी आर वैलिडेट एट कंपाइल टाइम एंड रिड्यूस लाइवलीहुड रन टाइम एरर। बेसिकली क्या होता है? कंपाइल टाइम पर ही बेसिकली क्वेरी को चेक कर लेता है। तो मैं सिंपल से अगर बात करें, अगर हमारा कंपाइल टाइम पर बेसिकली अगर बात करें हमारा कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जाएगा, तो बेसिकली रन टाइम पर इशू हमारा कम आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोवाइडर मॉडल। प्रोवाइडर मॉडल क्या होता है? लिंक क्यू फीचर अ प्रोवाइड अ मॉडल दैट इनेबल और इंटीग्रेट विद द वेरियस डेटा सोर्स। डिफरेंट लिंक क्यू प्रोवाइडर ट्रांसलेट लिंक क्यू क्वेरी इन अप्रोप्रिएट क्वेरी फॉर स्पेसिफिक डेटा सोर्स सच एज एसक्यूएल क्वेरी, डेटाबेस, एक्सएमएल ट्रांसलेटर, एक्सएमएल डेटा। इस सारे चीज को प्रोवाइड करता है। लिंक क्यू प्रोवाइड पावरफुल एंड एक्सपेंसिव वे टू वर्क इन डेटा। बेसिकली लिंक क्या करता है? लिंक प्रोवाइड पावरफुल और एक्सपेंसिव वे टू वर्क इन डेटा इन .NET एप्लीकेशन, ऑफरिंग इम्प्रूव रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। इट्स सिंप्लीफिकेशन डेटा एसेस एंड मैनिपुलेट टास्क मेक टू द इंश्योर डेवलपर टू द वर्क विद रिजर्व डेटा सोर्स यूजिंग यूनिटी डिफाइंड क्वेरी सिंटैक्स। ये हमारा क्या होता है? लिंक होता है .NET के अंदर।